आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग जो ट्रांसफार्मर में ऑल इंडिकेशन के लिए हम लोग एमओजी लगाते हैं उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में, हम लोग मैग्नेटिक ऑयल गेज के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर है, कंजर्वेटर के ऊपर में हमारा एक एमओजी लगा हुआ है। इससे देख रहे हैं आप साइड ग्लास है, इसमें हम लोग ऑयल लेवल को देख सकते हैं। ये दोस्तों कंजर्वेटर ट्रांसफार्मर के ऊपर लगा, ट्रांसफार्मर में जो हमारा एमओजी लगा रहता है उसका मेन पर्पज रहता है कि ऑयल का इंडिकेशन देना। दोस्तों अगर हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल का लेवल डाउन आएगा तो हमारा जो स्किल दिख रहे हैं आप उस पर हमारा इंडिकेशन डाउन आ जाएगा। और हम लोग एक कॉन्टैक्ट लेते हैं, मैं कॉन्टैक्ट को आप बता रहा हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ से कॉन्टैक्ट लेते हैं, यहाँ से हमको एक मिनिमम ऑयल गेज का इंडिकेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं बताना इसके बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने एक इंडिकेटर दिख रहा है और बैक साइड में एक फ्लोट दिख रहा है। दोस्तों ये फ्लोट क्या होता है, लेवल जब हमारा ऑयल आता है ऑयल के ऊपर ये फ्लोट करता है। तो अगर हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल नहीं है तो हमारा फ्लोट डाउन रहता है, अगर ऑयल है तो हमारा फ्लोट ऊपर की तरफ मूव करता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सामने इंडिकेटर में ऑयल का लेवल मालूम चल जाता है। अब जैसा कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, देखिएगा सामने मैं फ्लोट को अप करूँगा, अप होने के बाद देखेंगे आप कि हमारा लेवल ऊपर जा रहा है इंडिकेशन में। अब देखिए मैं शुरू करता हूँ आपको, धीरे धीरे मैं स्टार्ट किया हूँ पीछे से, अब आगे कर रहा हूँ तो सामने देख रहे हैं आप लेवल ऊपर जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग ऑयल लेवल इंडिकेशन देखते हैं, जो आप लोग ट्रांसफार्मर में देखते हैं उसका भी कई लोग रीडिंग भी लेते हैं। दोस्तों पता नहीं कई लोग इसको मैग्नेटिक ऑयल गेज बोलते हैं, पता नहीं मेरे को, अगर इसका आपको मालूम है तो बताइएगा मैग्नेटिक ऑयल गेज क्यों बोलते हैं, मैं तो इसको मिनिमम ऑयल गेज बोलूँगा। तो दोस्तों आपको इस तरह मैंने बताया कि ट्रांसफार्मर में हम लोग जो एमओजी लगाते हैं उसको कैसे ऑपरेट होता है। दोस्तों मेरा इस तरह से और वीडियो भी है इस चैनल पर, उनको जाइए आप उनको देखिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं आगे आने वीडियो आपको मिल सकें। धन्यवाद।